वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ओइन जैसे यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ओइन जैसे लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 153.65 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है ओइन जैसे लिमिटेड स्टॉक आज के दिन में, यानी कि देख सकते हो कि गिरावट भी देखने को मिले 2.35 पैसे, तकरीबन 1.51% की गिरावट देखने को मिले ओइन जैसे लिमिटेड स्टॉक में। तो देखा जाए तो देख सकते हो कि ओइन जैसे स्टॉक यहाँ पे आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होते ही गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अभी तक देख सकते हो कि लोअर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मीन्स गिरावट ही होते हुए नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आज का जो लो बनाया उसी के लो के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग करा है रिसेंटली ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक। सुबह में जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया तो और गिरावट होने की संभावना देखने को मिली थी। तो मार्केट कैप जो है 1.93 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक, और पी रेशो की बात किया तो 4.25 का पी रेशो है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में भी 7% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक में। तो चार्ट एनालिसिस पे यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम तो आज 70,52,000 का वॉल्यूम दिखाई दिया है ओएनजीसी लिमिटेड में, इतना खास वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा। बाइंग के लिए देख सकते 11,59,000 की क्वांटिटी पेंडिंग है, और सेलिंग के लिए देखा जाए तो 13,67,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। तो सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो 63 लाख में से 29 लाख क्वांटिटी जो है यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग के लिए गए, यानी कि 46% जो है डिलीवरी के लिए गई है क्वांटिटी। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो आज जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेकआउट दिया है, और उसको ब्रेकआउट देखिए और गिरावट देखने को मिल रही है नेक्स्ट के साइड ओएनजीसी स्टॉक के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 153 लेवल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो सपोर्टिव लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकता है ओएनजीसी लिमिटेड स्टॉक। वैसे भी कल ने हमने यहाँ पे देख सकते हो कि बताए थे लेवल्स, कौन से लेवल्स पे यहाँ पे सपोर्ट एक्ट हो सकते हैं और कहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो रिसेंटली आज के दिन में जैसे ओपन हुआ तो सुबह में देख सकते हो कि तकरीबन 155 लेवल को सपोर्ट एक्ट हो रहा था, जैसे उसको ब्रेकआउट किया तो नीचे आ चुका है। तो रिसेंटली 153 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी ओएनजीसी स्टॉक के लिए, और वैसे बाउंस बैक होने के चांसेस और भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ओएनजीसी स्टॉक के लिए।